इसलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइव हो जाइए और अपने सभी साथियों को सूचित कर दें कि मैथ क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि घड़ी में 12 बज चुका है और 12 बजे से लाइव क्लास रहती है मैथ अर्थमेटिक की, इंडिविजुअल मैथ। तो सभी लोग अपने साथियों को एक बार दमदार तरीके से वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों को अपने साथियों को आप बुला लें और अपने चैनल से हमारे वीडियो को जोड़ लें, जैसे कि आप तक लाइव क्लास मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं कितने लोग जुड़ चुके हैं लाइव। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसमें परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और परसेंटेज मैंने बता रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर परसेंटेज में आपका अच्छा खासा कमांड बन गया तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एलिगेशन से जितने रिलेटेड चैप्टर हैं 2-3 चैप्टर आपको उसमें पकड़ अच्छी खासी बन जाएगी दोस्तों। इसलिए परसेंटेज को अच्छे से समझना और उसे पूरे परसेंटेज के एक एक टाइप और एक एक हेडिंग को सॉल्व करना, उसमें अपना कमांड बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए परसेंटेज को पढ़ना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए अच्छे से पढ़िए दोस्तों। देखिए किसी ने कहा था कि अगर 2-3 मिनट या 5 मिनट मैं आपको मोटिवेट करूं तो किसी के मोटिवेट या हमारे मोटिवेट करने से आप मोटिवेट करो कब तक रहेंगे, 2 दिन 3 दिन या 24 घंटे 48 घंटे। लेकिन जब तक आप अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगे, अपने अंदर की जुनून और जज्बे को आप नहीं जगाएंगे, आपके अंदर जो आग है उसे आप अंदर उबालिए, उसे जगाइए, हमें कुछ करना है अपने लाइफ में। मैंने बताया था एक बार मौका मिला है दोस्तों जीवन में, अब कुछ अलग करिए, इतिहास रचिए दोस्तों। हो सकता है दोबारा फिर मौका न मिले कुछ करने का। तो मैंने कहा किसी के मोटिवेट करने से आपको मोटिवेट 48 घंटे या 24 घंटे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने से मोटिवेट नहीं होंगे तो आप अपने से मोटिवेट होइए, अपने आप को जगाइए और उठिए दोस्तों, अब मंजिल दूर नहीं है, लग जाइए जज्बे और जुनून के साथ। आइए देखते हैं, 2 मिनट आपका हम लेंगे। देखिए बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर ये बताइए कि मैथ कैसे सीखें, हमारा कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है, हम मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसी हमने आप लोग के लिए 2 मिनट का एक लाया है मोटिवेशनल, उसके आप समझिए क्या मैंने बता रखा है यहाँ पे। देखिए ये 2 आपका कंटेनर है यानी जार है, ठीक है, ये 2 आपका जार है और इन दोनों जार में क्या है आपके यहाँ तक क्या भरे हुए हैं, केरोसिन यानी आयल भरे हुए, ठीक, मिट्टी तेल आप लोग जानते हैं केरोसिन, ठीक है, दोनों भरे हुए हैं। बड़े अच्छे समझिए दोस्तों, इसमें क्या है आपका जो आप लोग गांव में जानते होंगे लैंप होता है, एक लैंप देखे होंगे आप लोग, लैंप उम्मीद करता हूँ सबके घर में होंगे, नहीं होंगे पहले रहा होगा लैंप, ठीक है। उसमें क्या होता है साइड में उसके क्या होते हैं, एक कैलकुलेटर टाइप लगा होता है जो उसको क्या करते हैं अप डाउन करते हैं, जो कि उसकी जो केशुकात्व का नियम आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, इंटर में था और BSc में है, तो उसमें केशुकात्व का जो नियम है उसमें यही है कि जो उसका ये जो बत्ती होता है जो यानी ये जिससे लैंप जलती है इसमें जो मट्टी तेल चढ़ता है माने केरोसिन ऊपर लेता, वही केशुकात्व का नियम है। केशुकात्व यानी जो अपना बाल होता है या फिर ये जो बत्तियां होती हैं इसमें तेल कैसे चढ़ते हैं वही केशुकात्व का नियम है, वो अपने आप ऊपर की तेल क्या करता है खींचता है तो वो प्रकाश उजाला होता है। इसी तरह इसमें भी वही आपकी दोनों बत्ती लगी हुई हैं और इसमें भी बटन लगा हुआ है। तो जो ये लोग का मेरे साथियों कहना है कि हमारे माइंड बहुत कमज़ोर हैं, हम मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा IQ लेवल कमज़ोर है या हमें नहीं आ सकती, उनके लिए मैं लेके आया हूँ स्पेशल ये। तो देखिए जो हम लोग जब इस कुल मिला के यहाँ पे आए हैं, जब हम लोग को यहाँ जन्म हुआ इस धरती पे, तो जो भगवान हम लोग को वहाँ से भेजे हैं तो कुल मिला के सबको एक इक्वल, सबको एक समान जो है माइंड और दिमाग दिए हैं, सबको एक समान जो है दिमाग और ब्रेन जो भी सबका है एक समान है। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि मैंने बता रखा है, जैसे देखिए 2 कैंडिडेट हैं, इनका नाम ए है उनका नाम बी है, ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं, मैच्योर हो चुके हैं और मैंने बताया कि इस देखिए इसमें भी क्या हुआ, केरोसिन जो है बराबर तक जितने भाग में यहाँ तक पूरा केरोसिन भरा है उतने भाग यहाँ पे भी है, सेम है इक्वल, किसी का कम बेसी नहीं है केरोसिन, सब बराबर भरे हुए हैं। और दोनों में उन्होंने क्या दे रखा है बटन, जो कि उससे क्या करेंगे अपनी बत्ती जो होती है उसका वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं जो उनका जिनका कहना ये है कि सर हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते मैथ, हमको नहीं आ सकता है, मैं ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए स्पेशल है ये। तो कहने का मतलब यह है सबको बराबर इक्वल में आपको क्या है कंपटीशन के लिए या फिर कोई भी तैयारी करने के लिए आपके पास जो ब्रेन है दिमाग है नब सेम है इक्वल है, किसी ज़्यादा कम नहीं है। अब इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ आते हैं, अब इसको जो आपके पास ये बटन दे रखा है इसे आप कितना घुमाते हैं, अगर ज़्यादा घुमाएंगे तो आपका जो ये बत्ती होगी कि सुकात का नियम से ऊपर ज़्यादा आएगी तो पूरे रूम में उजाला ज़्यादा होगा। और किसी कैंडिडेट ने जो बी का छात्र है अगर ये कम धीमा करेगा तो इसका जो लव होगा, जानते हैं लव मतलब कि अगर हम घर में देखते होंगे कभी कभी कि लालटेन का जो होता है उसका अगर उसमें मट्टी तेल खत्म हो जाता है केरोसिन, तो होता नहीं कि देखती है इसका जो लैंप है ये अपना ही केवल चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब कि वो पूरा पूर्ण रूप से फुल नहीं रहा है, उजाला नहीं हो रहा है। तो वैसे अगर आप पूरा बटन अपना अच्छे से आप एक दिन आपका उजाला पूरा फुट के माने पूरा एक पूरे रूम में उजाला हो जाएगा और अच्छे से उसका जो लव निकलेगा, और जब तक आप इसको बढ़ाएंगे नहीं तब तक क्या होगा
अंधेरे टाइप छाए रहेंगे। इसलिए दोस्तों ये मत कोसिए कि हमारे पास दिमाग कम है या हम पढ़ नहीं सकते या हमारे साथ अन्याय हुआ, भगवान ने हमको कम दिमाग दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बता रखा सबको इक्वल दिए हैं, सबके पास बराबर केरोसिन है, सबके पास बटन है, सबके पास उसमें क्या है जो उजाला बत्ती देती है, यानी जो कि उसका कैसुकात का नियम मैंने बता रखा, उसी की वजह से मट्टी तेल केरोसिन ऊपर चढ़ता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कितना प्रकाशित कर सकते हैं या कितना इसे धीमा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कंटिन्यू बने रहें और अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। अपने सब मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए अच्छे से आप पढ़ते रहिए और भर्तियां बहुत ही नज़दीक आप लोग के हैं, UPSI है, SSC GD की भी भर्ती संभवतः आ गई है, कुछ दिन से ऑनलाइन होने लगेगा। NTPC का भी चौथा फेज और पांचवा फेज बचा हुआ है और ग्रुप डी का पेपर भी लगे हुए हैं। जैसे ही ये महामारी जो भी चल रही है कोरोना जैसे ही खत्म हो रहा है तो आप लोग का पेपर जो भी है सब लगातार लगे रहेंगे। इसलिए कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अपने आप को आप व्यस्त रखिए और जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैथ है, आप जैसे मैंने बता रखा भी आपको लेके आ रहे हैं मैथ UPSI स्पेशल, उसमें बताएंगे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे क्या है। मैथ है आपका, हिंदी है, और आपका क्या है रीजनिंग है, और आपका GS है, यही दोस्तों चार सब्जेक्ट। क्या है किराया देकर टिकट लिए हैं, आप बीच में कहीं उतर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसके बीच का टिकट ले लीजिए, जैसे मुआयमा ले लिए हैं, उसके अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या जाएंगे? नहीं, कंडक्टर आपको उतार देगा। उसी तरह दोस्तों मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी, चारों सब्जेक्ट आप पूरी पढ़ लीजिए एक बार बैच, इंडिविजुअल कहीं पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहूँगा हमारे चैनल से पढ़िए, आपको जहाँ बेस्ट मिले कलेक्शन है, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए आप वहीं पढ़िए, ठीक है। चारों आप अच्छे पूरा कमांड बना लीजिए एकदम हायर लेवल तक का, जीरो से लेकर हाई लेवल तक। इसके बाद चाहे ग्रुप डी दीजिए, चाहे NTPC, चाहे RPF, चाहे SI, चाहे UPP, जो भी आप पेपर देंगे क्वालिफाई कर ले जाएंगे दोस्तों। इसलिए अच्छे से पूरा एक बार सब्जेक्ट को कमांड बना लीजिए और पूरा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। किसी ने कहा है हर एक सुबह एक नया सवेरा लेके आता है दोस्तों, तो आप सुबह उठिए अपना एक नया टारगेट बनाइए, मुझे एक घंटे GK पढ़ना है, एक घंटे रीजनिंग पढ़ना है, एक घंटे मैथ, अपना एक टारगेट बनाइए। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसे ही एक दिन आप टारगेट बनाते बनाते अपनी मंजिल करीब आप पहुंच जाएंगे और मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो ये नहीं कि मैंने एक दिन अब कोई नियम बना लिया अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करें हफ्ते, ये माने कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो हर एक सुबह अपना उठते ही आप एक नया सवेरा बना सकते हैं, एक नया माने कि टारगेट और कंपटीशन की दौड़ जो है उसे आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सभी दोस्तों को आप एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दें और जो नए साथी हमारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिए। आइए चलते हैं, जैसा कि हम लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज इसमें आपकी हेडिंग जो है वो चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न नियर अबाउट 8 या 9 टाइप है दोस्तों। मैंने आपको बता रखा है इंडिविजुअल मैथ में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ कोई भी टाइप आपका मैं छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। ईमानदारी से दोस्तों पढ़ाऊँ, ईमानदारी से आप लोग तक कलेक्शन जो भी हमारे पास मैथ का है मटेरियल उसे आप लोग तक प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी टाइप आपको छूटेगा नहीं। और टोटल A to Z आपको जितनी भी मैथ में हमारे पास मटेरियल या फिर जितने भी हमारे पास टाइप है या हेडिंग उतना मैं आप तक जरूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है और ऐसा सब कुछ है जो कि ये वही शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी शिक्षा को ग्रहण करें और खूब अच्छे से, सबसे बड़ी ताकतवर है शिक्षा, से बड़ा कुछ है ही नहीं दोस्तों। इसलिए आप अच्छे से अध्ययन करें और खूब मन लगा के पढ़ें। और आप लोग से एक अनुरोध और निवेदन यही दोस्तों कि आप लोग अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। और आपसे उम्मीद जो है वो बात की बात है, लेकिन ये जरूर करें आप, सबसे पहला मैंने बता रखा है अगर मेरा पहला अगर इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है या पहला पॉइंट यही है कि आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। इसके बाद अगर कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए, हमारे चैनल के लिए, तो वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अपने दोस्तों को आप जरूर सूचित करें कि मैथ के इंडिविजुअल मैथ और अर्थमेटिक इन द बेसिक जीरो से लेकर सीख माने कुल मिला के शून्य लेवल से लेकर शिखर तक आपको मैथ हम समझाएंगे और बताएंगे दोस्तों। आइए चलते हैं अपने हेडिंग पे। बफरिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी समस्या दोस्तों उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बफरिंग हो रही है, आवाज क्लियर पहुंच पा रही है नहीं पा रही है, जो भी समस्या उसे आप बताएं दोस्तों। आइए चलते हैं टॉपिक पे अपने। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए दोस्तों, कर तो नहीं रहा है, ठीक है। आपका जो हेडिंग है मैंने कल लिखवा रखा था परीक्षा पर आधारित प्रश्न, जो नए साथी हैं वो हेडिंग नोट कर लें, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। अच्छा परीक्षा नहीं, सॉरी, चुनाव पर आधारित प्रश्न आपका चल रहा था, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 1 हो चुका था, उसी में एक क्वेश्चन और आपको रिवाइज करा दे रहे हैं आप रिवीजन, इसके बाद नेक्स्ट टाइप में चलते हैं दोस्तों। तो इसी में तीसरा क्वेश्चन नोट करिए, जो भी कल टाइप था उसी में तीसरा क्वेश्चन, इस टाइप में हम दोस्तों कल दो क्वेश्चन करा दिए थे, चुनाव पर आधारित प्रश्न दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आज आप डालिए और उसी में आगे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ उसे आप नोट करें। एक बार आपको ये रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसी में पहले टाइप में, फिर नेक्स्ट टाइप में चलते हैं दोस्तों।
आइए क्वेश्चन नोट करें आप लोग दोस्तों, किसी चुनाव में, उसी टाइप में तीसरा नंबर पॉइंट डाल लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का, यानी कुल टोटल कुल पड़े मतों का एक प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 56% मत प्राप्त होता है और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए ओके दोस्तों, यह पे क्वेश्चन दोस्तों आया है आरपीएफ कांस्टेबल में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप का हमने दो क्वेश्चन कला रखा है, आज इसे आप प्रयास करें थोड़ा बहुत, कहाँ तक तो बना पाते हैं आप दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास करिए, जब प्रयास करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। आप ऐसे कंटिन्यू बने रहें, धीरे धीरे आप पक्का एक दिन मैथ में हीरो बन जाएंगे दोस्तों। कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप कंटिन्यू ऐसे बने रहें, एक एक क्वेश्चन लगाते लगाते एक दिन आपके पास नोट्स तैयार हो जाएगी, अच्छा खासा आपका हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में कमांड हो जाएगा। जैसा कि हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, ग्रहवा या बारहवा जो भी लेक्चर होगा देख लीजिएगा आप लोग, तो हमने कई हेडिंग पढ़ लिया। ऐसे ही अगर निरंतर हम लोग लगे रहेंगे तो आने वाले समय पूरे मैथ में जितने भी टॉपिक हैं हम उसे पढ़ लेंगे। जैसा मैंने कल बता रखा था, तीन स्टूडेंट थे, उन्हें अगर किताब दी गई पढ़ने के लिए जीके का, उन्होंने कहा ये बताइए पेपर कब है, उस अकॉर्डिंग में पढ़ लूंगा। तो आपको भी पेपर कोई सामने फिलहाल अभी है नहीं, तो आप एकदम आराम से स्लो धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप भी शांतिपूर्वक धैर्यतापूर्वक किताब और कॉपी लेकर अपने पास बैठे हैं, उसे नोट करें पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने बता रखा है डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं दोस्तों, तो मैं सिर्फ से क्वेश्चन सॉल्व बोल देता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। सोल्यूशन में आपको दो या तीन या चार जितने हमारे पास मेथड है वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। आइए चलते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है आपका कल वाले टाइप में ही, ये तीसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे इसे लगाते हैं। मैंने बता रखा है किसी भी चुनाव में किसी भी वस्तु कोई संख्या प्रारंभ कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। हमने यहां मान लिया 100% माना कुल मतों की संख्या, बराबर कितना 100%। यहां तो कोई डाउट हो बताइए, हमने 100% मान लिया दोस्तों, कुछ नहीं किया, मैंने बताया परसेंटेज के आधार पर कोई वस्तु संख्या प्रारंभ कितना मानते हैं दोस्तों, 100 मानते हैं, वही ब्रैकेट मैंने लिख दिया 100%। यहाँ तो कोई डाउट हो किसी साथी को हमारे बताएं, यहाँ तो मामला क्लियर है, तो हम आगे बढ़ें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तो मामला सेट होगा, आगे चलें दोस्तों। आइए देखते हैं, देखिए अब इसमें ये पता है क्वेश्चन में क्या रखा है, दो प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशी हैं दोस्तों, दो प्रत्याशी आपके हैं, ठीक है, आपके दो प्रत्याशी हैं, तो पहला प्रत्याशी मान लेते हैं फर्स्ट, और ये आपका क्या होगा सेकंड प्रत्याशी होगा, पहला प्रत्याशी दूसरा प्रत्याशी। पहला जो प्रत्याशी है ये कह रहे हैं कुल डाले गए मतों का 56% मत प्राप्त करता है, यानी 100 का जब 56 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है केवल 56% होगा, ठीक है, आप निकाल सकते हैं 100 × 56 और बटे कितना 100, 0000 कट जाएगा, यही 56 आएगा, तो वही 56% हमने लिख दिया है। अब 100 में तब 56% पहला प्रत्याशी पा गया दोस्तों, तो दूसरा जो उम्मीदवार होगा यानी दूसरा जो फाइटर होगा कितना पाएगा, कहेंगे सर 100 में से 56 को निकाल दीजिए, 100 में से 56 को निकाल दें कितना बचेगा दोस्तों, 100 में 56 निकालें कितना बचेगा, 46 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा 44 बचेगा, ओके ठीक है, तो 44 आपका हो जाएगा, यानी सेकेंड उम्मीदवार जो होगा वो 44% पाएगा क्या मत, ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है, यानी पहला उम्मीदवार 56% मत पाया तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा दोस्तों, कहेंगे सर 44%, क्योंकि 44 को 56 में ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, 6×4 देख लीजिए आप लोग, 6×4 10 और 5×4 9 = 10 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों में अंतर कितने का है, कहेंगे सर इसमें अंतर है आपका ये 56 है कितना है दोस्तों 44 है, कितने का अंतर बन रहा है, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 4 गए 1, यानी 12% का क्या है दोस्तों अंतर है, 12% का यही क्या है अंतर है, यानी कहने का मतलब ये है कि 44% इन्होंने पाया है सेकंड उम्मीदवार और फर्स्ट उम्मीदवार 56% मत प्राप्त किया था, यानी 44 और 44 तो बराबर होगा, यही 12% जो मत है ये अधिक पा रहा है कौन, फर्स्ट उम्मीदवार। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों आप प्रश्नानुसार
प्रश्न अनुसार। आइए देखते हैं, तब 12% आपका अधिक पा रहा है, इसी 12% की वैल्यू दे रखी है आपको 1440। यहां तक डाउट हो तो बताइए दोस्तों, कोई डाउट यहां तक? बफरिंग तो नहीं हो रहा है, कोई डाउट? ओके, तो मैंने बताया कि 100% टोटल मत होते हैं, 100 में हमने फर्स्ट उम्मीदवार पा गया 56%, सेकंड उम्मीदवार पाएगा 100 में से 56 में 44%, 44% और 56% के अंतर अगर देखेंगे तो 12% आ रहा है। प्रश्नानुसार यही 12% अधिक पा रहा है किससे? इस सेकंड वाले उम्मीदवार से, 44% ए पाया था 56 ए, तो 100 में 56 गया 44 और 56 और 44 का अंतर आ रहा है 12, यानी 12% मत ज़्यादा पाया किससे? सेकंड वाले उम्मीदवार से, तब ये चुनाव जीत गए। प्रश्नानुसार इसी 12% बराबर दे रखा है 1440, कह रहे हैं ना 1440 में तो चुनाव जीत गया, तो 12% बराबर 1440 से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% बराबर 12 बढ़ाइए 144, यानी 120, 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 120। देखिए काट पीट मजबूत रखिए, कैलकुलेशन आप फास्ट रखेंगे दोस्तों तभी आप मैथ पढ़ पाएंगे। ये 12 है और 144 से 12 बढ़ाइए 144 होता है, तो एक बार में चला गया 12 बढ़ाइए 144 और 0 आपका इधर साइड में लगा दिए, 1% बराबर 120। अब हमेशा 100% आपका क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या होती है तो आप निकाल लेंगे कितने पे, 100% पे कितना आ जाएगा दोस्तों 12000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, नोट कर लें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप नोट कर लें इसे। आपका टोटल कितना आ गया, 12000 आ गया, यानी कुल मत पढ़ो, कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12000 है, अतः कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी, 12000, नोट कर लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। कोई डाउट, कोई समस्या? बफरिंग तो नहीं हो रही है? क्लियरिटी पहुंच पा रही है आप लोग तक? आवाज क्लियर है? ओके दोस्तों, ऐसे ही कंटिन्यू आप बने रहें, आप लोग का प्यार बना रहा तो निश्चित तौर पे एक दिन हम लोग ऊंचाई को छुएंगे, ठीक है? इसलिए आप कंटिन्यू बने रहे, अपने सभी साथियों को आप सूचित कर दें कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है और अर्थमेटिक जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें परसेंटेज चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा प्रॉपर्टी लास्ट चलेगा। यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच, बहुत बच्चों कमेंट आ रहा है सर यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच लगाइए, देखिए जैसे समय मिल रहा है तो आप लोग के लिए स्पेशल हम यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूँ जो कि शाम को रहेगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले टाइप पे, मैंने ये कल टाइप पे लिखवा रखा था, इस टाइप हमने दो क्वेश्चन करा रखा था, आज मैंने और एक करा दिया, यानी इस टाइप मैंने तीन क्वेश्चन करा दिया है। कैसे इस टाइप पे? इस टाइप मतलब ये है कि इसमें केवल दो प्रत्याशी खड़े होंगे, पहला प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से जीतेगा, जितना मत होगा इक्वल कर देंगे, 1% की वैल्यू 120 आ गई, 100% निकालेंगे कितना, 12000 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले टाइप में, अगला टाइप आप लोग डालिएगा, अगला टाइप, अगला टाइप क्वेश्चन नोट करें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला टाइप। नोट करें दोस्तों, एक चुनाव में, अगला टाइप नोट करें, एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। देखिए टाइप चेंज हो गई दोस्तों, इसलिए आप एकदम कंसेंट्रेट होकर बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए और बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको प्रयास करता हूँ समझाने का और पढ़ाने का, जो भी हमारे पास ट्रिक है, जो भी हमारे पास बेसिक है, आप तक तो पहुँचाने प्रयास कर रहा हूँ। जैसा पता है आपके समय कोरोना महामारी चल रही है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, शाम को सीट बनाता हूँ, सुबह फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत होकर क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तो प्रयास कर रहा हूँ मटेरियल पहुँच पाए, जल्द से जल्द मैं आप लोग के लिए टेलीग्राम में अपना चैनल बना रहा हूँ, तो उसमें आपको जो भी PDF होगी प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, इसलिए कंटिन्यू आप बने रहे, आप लोग का साथ रहा अगर तो पक्का हम लोग अपनी ऊंचाइयों तक पहुँच पाएंगे और मंजिल अपनी प्राप्त करेंगे। इसलिए आपका लोग का सपोर्ट और आप लोग का साथ हमें बहुत जरूरी है। इसके पहले मैंने जहां भी पढ़ा रखा था दोस्तों ऑफलाइन पढ़ा रखा था, काफी बच्चे इसमें साथी मरे होंगे जो हमें जानते होंगे, तो कुमला के ये आप लोग का स्नेह और प्यार था, आप लोग का बहुत ही कमेंट आ रहा था सर आप लाइव आइए, तो हम आप लोग के बीच जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो भी कुमला के सुविधा है, उसको हम जोड़ के और लगा के आप लोग के सामने आ गया है लाइव लेकर क्लास। तो आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे कंटिन्यू बने रहें और हमारा और आपका जो भी कुल मिला के एक बॉन्डिंग जो आप लोग पढ़े होंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में, वो जोड़ने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए आपसे बस यही आप सपोर्ट और कह सकते हैं कि मैंने बता रखा था कि बस लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करके आप हमें तक हमारे तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरी जो क्लास है फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों, कोई आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क है ना, तो कोई ऐप पे क्लास चलेगी, निःशुल्क बैच है और डायरेक्ट यूट्यूब पे चलेगा, और सारी जो भी क्लास मिल रहेगी प्राइवेट नहीं होगी, सब अपलोडेड वीडियो रहेंगे, आप जब भी चाहेंगे पढ़ सकते हैं, लेकिन अनुरोध और निवेदन नहीं है जब आप लाइव पढ़ेंगे उसका एंजॉय आपको कुछ और मिलेगा दोस्तों। आइए चलते हैं, एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10%
10% मत प्राप्त किया, 10% मत प्राप्त किया, कॉमा, और वह तीसरे स्थान पर रहा, और वह तीसरे स्थान पर रहा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 10+2 टीयर 2 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पूरा नोट कर लें आप। और वह तीसरे स्थान पर रहा, कॉमा, एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का, एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% यानी 60%, एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया, 60% मत प्राप्त किया, और वह 60,000 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 60,000 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 60,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? और विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, और विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, अभी प्रेजेंट में हम लोग का 2-3 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है। आपको पता है कोई टीएमसी सरकार अपनी कुल मिला के पार्टी बना रखी है, कोई बीजेपी पार्टी है, कोई आपका कांग्रेस पार्टी है, कोई सपा, कोई बसपा है। तो वैसे ही इसमें 3 कैंडिडेट खड़े हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने बता रखा था, ये जानना इंपॉर्टेंट है गिवन दैट क्या क्या दिया है। इसके बाद ये पकड़ना इंपॉर्टेंट है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उसमें उसका एक क्वेश्चन मार्क इतना, जिस हमारे स्टूडेंट ने ये लिख दिया कि क्या क्या दिया है गिवन दैट और क्या पूछ रहा है उसका एक क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब आधा मैथ उसको आ गया। रही आधा मैथ जो बेसिक फंडामेंटल आप क्लियर करिए, अपना कैलकुलेशन फास्ट रखिए, बाकी जो भी हमारे पास है कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग करा दूंगा मैं, प्रयास करूंगा, काटते पीटते आप भी सीख जाएंगे, और जो भी सलूशन है उसका, जो भी मेथड है बेसिक, सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि शुरू में आप इतना पहले पकड़ बनाइए मैथ में कि क्या क्या दिया है दोस्तों और पूछ क्या रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है, सर ये कैसे हम जानेंगे क्या दिया है, कहां से क्या पूछ रहा है? ये आप दोस्तों तभी कर पाएंगे तब क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे आप। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बहुत साथी हमारे ऐसे होंगे जो पहले हमसे पढ़े होंगे इस परसेंटेज को, उन बहुत लोग का तो आंसर आ गया होगा, या बहुत लोग केवल 60 क्वेश्चन लिखे होंगे पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन का और सॉल्व कर दिए होंगे। इसलिए आप अभी शॉर्ट ना लिखिए, स्मार्ट अभी आप ना बनिए, कुल मिला कि ये क्वेश्चन आप कॉपी पूरा नोट करें A to Z, इसके बाद उसी को 2-3 बार एनालिसिस करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन ही निकलेगा। हाँ, कुल मिला के बता देगा ये यहाँ कर दिया है। आइए देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसा कि इसमें 3 कैंडिडेट हैं, अभी तक हमने 2 कैंडिडेट वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं, एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है टीयर 2 का दोस्तों। आइए देखते हैं, देखिए दोस्तों मैंने बता रखा है शुरू में माना कुल मतों की संख्या कितना दोस्तों 100%, हमने मान लिया। परसेंटेज के आधार पे वस्तु की संख्या कोई भी प्रारंभ में 100 मानते हैं, 100 हमने मान लिया। इसके बाद हमने कहा कि 100% जो माने यही 100% हमने क्या कर दिए, ब्रैकेट में लॉक कर दिए, यानी 100% उस ग्राम सभा में या उस विधानसभा जो भी राज्य होगा वहां 10% मतें प्राप्त करता है। ठीक है, 10% मत प्राप्त करता है। बफरिंग हो रहा है क्या? ओके, तो 10% मत प्राप्त किया, और कह रहे एक अन्य उम्मीदवार टोटल डाले गए मतों का कितना मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है, कितना 60%, यानी जो 60% प्राप्त किया है यही तो पहला होगा दोस्तों। 60% जो मत प्राप्त कर रहा है यही पहला होगा और यही चुनाव जीत रहा है 60,000 मतों से। इसका मतलब जो सेकेंड फाइटर होगा 60% तो पहला उम्मीदवार पा गया, एक और उम्मीदवार था पहला जो 10% मत प्राप्त किया था, 60 और 10 कितना हो गया दोस्तों, कहेंगे सर 70 हो गया, तो 70% तो मत खत्म हो गए, यानी सेकंड उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो कितना पाएगा दोस्तों, 30% मत पाएगा। यहां तक मामला क्लियर हो दोस्तों तो आगे बढ़े। फिर आप एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10%, मैंने 10% मान लिया। अब क्वेश्चन आ रहा है आपको कमेंट कि सर कैसे मान ले तीसरा, देखिए अभी बता दें आपको तीसरा कैसे। देखिए 10% ने मत प्राप्त किया और कह रहे हैं एक अन्य उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 60% यानी 60% मतों प्राप्त करता है। देखिए 60% मैंने प्राप्त करा दिया, अब 60% ये प्राप्त कर लिया, ये पहला स्थान है क्योंकि यही जीत रहा है 60,000 मतों से, इसका मतलब यही पहला होगा, पहला विनर यही है, तो फर्स्ट ये हो गया। इसके पास आपका 10% ये पा रहे हैं,
जो एक और उम्मीदवार हैं, 10 और 60 कितने हो गए दोस्तों, 70 हो गए। यानी अब जो बीच में बैठेगा अगला माने प्रत्याशी कैंडिडेट, वो कितना पाया होगा, 30%। 60 और 70 जो बचेगा वो सेकेंड, यानी 30%। अब तब ये सेकेंड हो गया, जाहिर सी बात जो ये क्या होगा दोस्तों, थर्ड होगा। अब लड़ाई किसमें किसमें होगी दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड ये तो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग थर्ड वालों की कहीं भी गिनती नहीं है, बाहर हो जाते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड का ही लड़ाई होता है। कहीं आप सुने होंगे ये बताइए कि कौन किसको लीड, माने कितने वोट से लीड दिया उनको, कितने वोट से वो लीड है, पीछे कितने वोटों से हैं, यही होता है फर्स्ट और सेकंड। यानी जैसे अभी आप विधानसभा चुनाव आप देखे होंगे, अभी अभी फिलहाल में बीता है आपका आसाम में, नागालैंड में और पश्चिम बंगाल में, तो हर एक पार्टी अपनी अपनी कुल मिला के पार्टी बनाई हुई है अपने वहाँ पे जो भी है। जैसे कि अभी भी आपको पता होगा कि एमपी में टोटल 294 सीट है, ठीक है, उसमें से आपका 292 में शायद होता है मत, और दो जो होता है वो अपने चुने जाते हैं। कुल मिला के आप करंट भी और जीके भी ऐसे कंटिन्यू आप पढ़ते रहें दोस्तों, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कोई परीक्षा हो रही है उसमें 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम कह सकते हैं आप, 10 क्वेश्चन तो करंट आना ही आना है, तो करंट भी अपना पकड़ बना के रखे दोस्तों। आइए चलते हैं, तो यानी फर्स्ट और सेकंड का ही क्या होता है, लड़ाई होता है। जो 10% पाया ये तो बाहर हो गया, ये 10% मत पाया अपने घर चला गया। अब आता है मैटर सेकंड और फर्स्ट वाले का, अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा है। ये आपका फर्स्ट सेकंड है, ये 30% पाया है और ये 60%, यानी जो पहला उम्मीदवार है सेकंड वाले उम्मीदवार से कितना मत अधिक पा रहा है, 30% अधिक पा रहा है दोस्तों, कितना, 30% अधिक पा रहा है। यहां तो कोई डाउट हो बताइए, 30% मत अधिक पा रहा है किससे, कहेंगे सर सेकंड वाले उम्मीदवार से, क्यों, क्योंकि सेकंड वाला पा रहा है 30% और पहला वाला उम्मीदवार पा रहा है 60%, दोनों में अंतर आ गया दोस्तों 30%। यही 30% वैल्यू लेके ये चुनाव किया होगा दोस्तों, जीत गया। आइए देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब होता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से हम वही करें जो क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन का रखा है जो 60% मत पाता है वो कितने जो चुनाव जीत जाता है, 60,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। यानी इसी 30% की वैल्यू दे रखा है कितना दोस्तों, 60,000। यहाँ तक मामला सेट हो तो आगे बढ़ें। आइए देखते हैं 0 से 0 कटा देंगे और 3 से कटा देंगे किसको, 60 को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू जो दोस्तों आ गई, या फिर कितनी आ गई, 2000 आ गई, 1% की वैल्यू दोस्तों निकल के आ गई 2000। इसी तरह निकाल सकते हैं कितने पे, 100%, क्योंकि शुरू में टोटल वस्तु क्या होते हैं, वस्तु या संख्या प्रारंभ में 100% होती है, और यहाँ मैंने माना भी है, माना कुल मतों की संख्या 100%, तो 100% निकाल लेंगे, तो 100% निकलेगा दोस्तों कैसे, 00, हाँ इसके बाद फिर 00, एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,00,000 टोटल आपके क्या हुए वहाँ दोस्तों, मत पड़े हैं टोटल उस ग्राम सभा में, उस विधानसभा जो भी चुनाव हुई होगी उसमें आपके टोटल 2,00,000 मत पड़े होंगे दोस्तों। उस 2,00,000 में आपका अब क्वेश्चन ये बनेगा, सर ये बताइए जब पहला उम्मीदवार जो 60% मत प्राप्त करके जीत गया है वो कुल 2,00,000 डाले गए मत, वो कितना मत प्राप्त किया, यही क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है। आइए ले चलते हैं उस पर, आपको देखिए इसे देख लेते हैं, विजयी उम्मीदवार, ऐसे आप लिख लिया करें, विजयी उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मत, को प्राप्त मत या मतों की संख्या, मतों की संख्या, मतों की संख्या बराबर, टोटल आपको पता है कितना दोस्तों, 2,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,00,000 कितना निकालना है दोस्तों आपको, 60%, यानी 60% मतों पाया था। 0 से 0, 0, 0 कटा देंगे दोस्तों, 6 दुना कितना होता है, 12 होता है दोस्तों, आप लगा देंगे कितना, 4 0, यानी 1,20,000 आपका वो मत क्या किया, प्राप्त किया, यानी 2,00,000 में 1,20,000 दोस्तों वो मत को प्राप्त किया है। कॉमन सेंस वाली बात है, 50% पे 1,00,000 होता और 60% पार है, जाहिर सी बात है 1,00,000 से अधिक पाया होगा तभी 60% बनेगा दोस्तों। थोड़ा बहुत आप स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है, अभी आपको मैं लेके आऊँगा डिजिटल सम, डिजिटल सम आप पढ़ेंगे, टोटल आप बगैर ओरल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको लगाने जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 ऑप्शन से हिट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो जो भी आज के जनरेशन चल रहा है दोस्तों, अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है, तो अपना कैलकुलेशन कार्ड पर मजबूत रखिए। देखिए वहाँ पे आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आपको प्रदर्शनी नहीं दिखाना है दोस्तों, क्वेश्चन आपको रहेंगे, 4 ऑप्शन उसका रहेगा, 4 ऑप्शन में अगर आपको आ रहा है चाहे जैसे कार्ड पीट, अगर आंसर सही है तो आपसे लॉक करिए, वहाँ आपका जो कैलकुलेशन करेंगे ये चेक नहीं किया जाएगा, आपका आंसर सही होना चाहिए। तो कुल मिला कि आप ये कॉपी पर नोट करें ऐसे, वहाँ तो आप मिनटों में सॉल्व करेंगे, जैसे भी जो भी है, यहाँ पर आप टोटल बेसिक आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई डाउट, बफरिंग तो नहीं हो रही दोस्तों। तो मैंने बता रखा है कि टोटल आपका 2,00,000 मत पड़े हैं, 2,00,000 में विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या 2,00,000 का 60% निकालेंगे, यानी 1,20,000 मत उन्होंने प्राप्त किया, कौन, जो उम्मीदवार जीता है, यानी पहला उम्मीदवार। अब इसी तरह आप जो भी पूछेगा सेकंड उम्मीदवार या तीसरा उम्मीदवार वैसे आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, 1,20,000 मतों प्राप्त किया है।
आइए चलते हैं दोस्तों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बता रखा था ये चुनाव आधारित प्रश्न है, और चुनाव आधारित प्रश्न कोई टाइप आप न लगाएं तो ही बेस्ट है। टाइप हमारे पास, अरे मेथड हमारे पास एक दो और हैं, लेकिन मेथड आपको देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, यही आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जितने कैंडिडेट हों आप लोग को पता होगा, आप लोग मिला किए कि मतों में आप चुनाव में इस बार आप अगर बहुत लोग का इसमें इस बार उसके काबिल हो गए होंगे तो आप मत भी दिए होंगे, तो आपको पता होगा गांव ग्राम सभा में या फिर विधानसभा में कितने प्रत्याशी खड़े होते हैं, उतने प्रत्याशी का ग्राफ बना दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन कितना पाया उसे लिख दीजिए, इसके बाद दोनों का अंतर निकाल लीजिए, प्रश्नानुसार उस जितना अंतर आए उसी के बराबर वो क्या कर रहा है, उतने मतों से चुनाव जीत रहा है, तो 60% 60,000 लग देंगे, 1% बराबर 2,000, 100% बराबर 2,00,000, तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या 2,00,000 का 60% निकालेंगे दोस्तों, आ जाएगा 1,20,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। आइए चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन में, इसी टाइप में अगला क्वेश्चन, ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न शायद दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप में पहला क्वेश्चन, अब उसी में दूसरा क्वेश्चन नोट करें दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन नोट करें। एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त किया, 15% मत प्राप्त किया, और वह तीसरे स्थान पर रहा। देखिए साफ साफ कहा है कि वह तीसरे पायदान पर रहा, और वह तीसरे स्थान पर रहा पूर्ण विराम। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त किया, 45% मत प्राप्त किया, और वह 4,000 मतों से चुनाव जीत गया, इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, और विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो क्वेश्चन आपको पूछ रखा है इसी क्वेश्चन में। पहला तो आपको ये बताना है कि टोटल उस क्या नाम है, जो भी गांव था या फिर जो भी चुनाव हुए उसमें कितने मत पड़े, और दूसरा है कि जो उम्मीदवार जीत रहा है 45% मत प्राप्त करके वो टोटल कितना मत पाया है। परसेंटेज भी दे रखा है 45%, लेकिन कितना एग्जैक्ट, कितना वैल्यू माने कितना वोट पाया हो, कितना मत पाया है, यही आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ इसी टाइप में पहला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, दूसरा क्वेश्चन है, आप थोड़ा बहुत प्रयास करें दोस्तों, बनाइए। आप जैसे मैंने बता रखा ग्राफ बनाइए, ग्राफ में तीसरे स्थान पर कौन उसे रख दीजिए, फिर फर्स्ट कितना ऐड कर दीजिए, दोनों जो बचेगा 100 में से वही आपका सेकंड फाइटर होगा, दोनों में आप अंतर निकाल दीजिए, प्रश्नानुसार कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, लगाइए आप 1 मिनट आपके पास समय है, देखते हैं जवाब किसका आता है, जल्द प्रयास करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कितना इसका आंसर कितना आ रहा है। बफरिंग नहीं हो रही ना दोस्तों, जो भी समस्या आप बताइए, ठीक है, जो भी बफरिंग हो रही हो या फिर आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच पा रही, जो भी आप बताइएगा। बनाने का प्रयास करें आप लोग, देखिए दोस्तों किसने कहा है प्रयास करने वालों कभी हार नहीं होती, तो आप प्रयास करते रहिए और कंटिन्यू बने रहें, सफलता पक्का मिलेगी एक दिन, आप लगिए। तो मैंने कल एक दिन बताया था आपको कि आप कदम तो बढ़ाइए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। जानते हैं आपको हम एक 2 मिनट आप कर लेंगे, बता रहे हैं आपको जो स्पीच अपना उसे सुनिए। क्या होता है कि एक जेलर होता है, जेलर आपको पता होगा, एक जेलर होता है और कैदी को पकड़ता है, और कैदी को पकड़ के ले जाके जेल में डालता है, और जेल में डालने के बाद कुल मिला के ये कि वो कुल मिला कह सकते हैं आपकी जेलर जो कैदी था, माने कुल मिला के जो चोरी किया था या जो भी उसका गलती किया था उसके अकॉर्डिंग उसको पकड़ लिया गया था और वो जेल में गया, और उसे वहाँ पे कैद जेलर ने उसे जेल में डाला, और वो इतना डरा हुआ था या इतना उसके अंदर भय था, कुल मिला के गाँव से बिलोंग करता था, और इतना उसे उसके अंदर दहशत था कि जैसे ही हम लोग जाते हैं वहाँ पे जेल में तो ये घटना होती है, वो घटना होती है, बहुत वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, ये बात वो बात, कुल मिला के वो बहुत ही डरा हुआ
कह सकते हैं बहुत ही हर्षा हुआ और कुमला के बहुत ही गंभीर अवस्था में था वो, तो उसे वहाँ पे ले गया जेलर और जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद जो उसका लॉकर होता है वो बाहर से दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही दरवाज़ा हम लोग बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, लॉक करते हैं, सब कुछ वही प्रक्रिया किया, लेकिन रियल में कुछ नहीं किया था। लेकिन ऐसा सब कुछ किया कि अंदर जो बैठा है कैदी, उसे ये पता लगे कि बाहर पूरे हमारी तरह से चारों तरफ हमारी जो भी दीवालें हैं वो तो दीवार की ही हैं, और प्लस जो गेट है वो भी लॉक कर दिया गया है, तो हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो नियर अबाउट 10 दिन उसी में ऐसे ही था, न उसे खाना दिया गया, न पानी, न कुछ न कुछ, बहुत ही परेशान था। और बहुत ही कुल मिला के ये कि भाई कोई भी हो, मैंने बता रखा है कि जब तक बाहरी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, तब तक अंतर की एनर्जी क्या होती है शून्य होती है। आंतरिक और आपने पढ़ा होगा काइनेटिक और जो भी एनर्जी है, ठीक है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, दो तरह की एनर्जियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, 10 दिनों कंटिन्यू उसमें था, तो उसकी पूरी भी जो भी बॉडी की जितनी भी सब कुछ उसकी अवस्था सब कुछ क्या हो गई, शिथिल अवस्था में हो गई, मतलब काम करना बंद कर दिया। और क्यों नहीं कि वो प्रयास कर रहा था, इसीलिए कि बाहर से क्या है, पूरा दरवाज़ा और गेट जो है वो लॉक हो चुका है। लेकिन किसी ने उससे ये सूचना दी बाहर खड़े होकर कि ये काम करिए, आप कहेंगे सर बाहर तो सब कुछ बंद था, कहाँ से खड़े हुए, तो खिड़की होगी मान लीजिए, कल्पना करिए, खिड़की रही होगी, कहीं से भी कोई सूचना दिया, काम करिए, प्रयास तो करिए, आप बैठे गए हैं अंदर, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाइए। तो वो भी जागा और बोला सही कह रहा है कैंडिडेट, हमें थोड़ा बहुत भरसक प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास करते करते क्या काम किया, इतना थोड़ा कह सकते हैं आप उसके पास दिमाग हो सकता है कम था, तो वो दरवाज़ा अंदर न खींच के बाहर की तरफ माने धक्का धरा पुश कर रहा था बाहर की तरफ, तो बाहर करते करते कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाहर उसे लगा दरवाज़ा बंद है। कुछ देर बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाया और दरवाज़ा अंदर की तरफ खींचा और तुरंत दरवाजे खोल गया, क्योंकि दरवाज़ा तो लॉक था ही नहीं दोस्तों ना। इसीलिए अगर बहुत लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो भी हैं, ऐसा कंपटीशन का हवा बन चुका है कि अरे यार SI तो बहुत टफ है, SSC बहुत टफ है, CGL हमारे बस की बात नहीं, NTPC CB1 CB2 होगा, साइको में हम छट जाएंगे, और इसमें फिजिकल में हम छट जाएंगे, ये सब आप कल्पना निकाल दीजिए, हवा है, ये सब है कि ये कॉम्पिटिशन क्या है, माहौल है, कुल मिलाकर उसका वातावरण जो है इतना फैल चुका है, जैसे कि अब इलाहाबाद जैसे हम काफ़ी दिन से यहाँ पे हैं और काफ़ी साथियों से मुलाकात होती है, तो यही कहते हैं कि सर बहुत कंपटीशन है, बस की बात नहीं है, वो भी क्या नाम है जनरल और ठाकुरू बहुत दिक्कत है। तो ये कुल मिला के एक हवा है, कह सकते हैं यही एक माहौल बन चुका है, आप प्रयास तो करिए, जैसे उन्होंने क्या किया, प्रयास नहीं किया था, इसलिए आप प्रयास करिए, आप पक्का अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, जो भी परीक्षा में आप बैठेंगे क्रैक करेंगे। अपना एम बना लीजिए, मुझे यही जॉब चाहिए, मैं ये लेकर रहूँगा, जब तक लूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये जिद होना चाहिए। और कुल मिला के आप अपना हमेशा मैंने बता रखा है एक अपना उद्देश्य बनाइए, एक मोटिवेट अपना अपने आप हमेशा करते रहिए, अपने अंदर के जो भी जुनून है उसे जगाइए, आप अपने आप हमेशा बूस्ट करते रहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे दोस्तों। मंजिलें हैं, आज थोड़ा बहुत तकलीफ है, कल कट जाएंगे, लेकिन आप अपना जो भी तैयारी इसे ब्रेक न करिए और कंटिन्यू लगे रहिए। ओके चलिए बताते हैं तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी में। ओके दोस्तों, इसीलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहें। पासवर्ड है क्या, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आप लोग बनाने का प्रयास किए होंगे। माना कुल मतों की संख्या, मान लेते हैं शुरू में कुल मतों की संख्या कितनी दोस्तों, 100%। आइए देखते हैं इसका सलूशन, मैंने बता रखा है आप 100% मान लीजिए, यहां तक कोई डाउट, 100% मान लिए, 100% मैंने बताया कितने प्रत्याशी हैं, उतना ग्राफ बना दीजिए, माने उतने लोग को पैदान पे खड़े कर दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट, 15% मत पाता है तो यानी 15% इसे मत दिखा दीजिए, लेकिन कह रहे हैं वो तीसरे पैदान पे हैं, तो यानी इसमें सेकंड, ये सेकंड उम्मीदवार है, ऐसे आप सेकंड उम्मीदवार बना दीजिए। कह रहे हैं एक अन्य उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त करता है दोस्तों, तो यहाँ 45% मत प्राप्त करा दीजिए। अब कह रहे हैं वही प्रत्याशी जो 45% मत प्राप्त करता है वह 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी तब जीतता है, तो यही इसका मतलब पहला होगा दोस्तों, तो पहला 45% पा गया और तीसरा जो कैंडिडेट हो 15% पाया है, 45 और 15 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका टोटल, कहेंगे सर 60 हो जाता है, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, तो दोनों कैंडिडेट को मिला के 60% हो गए। अब क्वेश्चन में कहा गया तीन उम्मीदवार खड़े थे, तो जो तीसरा दूसरा उम्मीदवार होगा दोस्तों कितना पाएगा बताइए, दूसरा उम्मीदवार जो होगा प्रत्याशियों कितना मत परसेंट प्राप्त किया है बताइए, देखिए 45 फर्स्ट पा गया और थर्ड पाया है 15 और 45 दोस्तों, कहेंगे सर 60%, तो 60% तो निकल गए, बचा कितना दोस्तों 40%, और 40% भी कौन पाया है, सेकंड उम्मीदवार। यहाँ तक तो मामला क्लियर हो तो आगे बढ़ें, यहाँ तक तो कोई डाउट है,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और मैंने बता रखा है जो थर्ड होता है ये क्या है आपका गेम के बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी बाहर है, इनके थर्ड पायदान पे है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। मत प्राप्त कर लिया है 15%, लेकिन एक लड़ाई में नहीं है। अब लड़ाई में कौन कौन है, फर्स्ट और सेकेंड, यही दोस्तों दोनों क्या है लड़ाई में। अब आइए देखते हैं, ये 45% मत प्राप्त किया है, 40%, इन दोनों में गैपिंग कितने का है, कहेंगे सर 5% का। भाई 5% तो गैपिंग है, यही 5% सेकेंड वाले उम्मीदवार से पहला उम्मीदवार अधिक पा क्या है दोस्तों, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही 5% की वैल्यू दे रखा है, कितना 5% की वैल्यू आपका दे रखा है दोस्तों 4000, यानी 4000 मतों से जीतता है। इसका दोस्तों 1% आप निकाल सकते हैं, तो 5 से कटा दें 45, यानी दोस्तों आ जाएगी कितना आपकी, यानी कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है 80000 है। अब कह रहे हैं विजयी उम्मीदवार किया है, कुल डाले गए मतों की संख्या आप निकाल ली है 80000, यहां लिख दीजिए करें अतः कुल डाले गए मतों की संख्या 80000, 80000 टोटल मत पड़े हैं। अब लिखेंगे जो फर्स्ट उम्मीदवार है यानी विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या, फर्स्ट उम्मीदवार के मतों की संख्या यही जीता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं ये कितना प्राप्त किया है, टोटल आपका 80000 आपका टोटल मत पड़ा था, 80 में 45% उन्होंने प्राप्त किया है, 45/100, 0 से 0 0 कटा दीजिए, आपका 4508 है, 8×5 दोस्तों कितना 40 और 00 आप पहले लगा दीजिए, 8×40 हासिल आए 4 और 8×32 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, नोट कर लें दोस्तों यही आप कितना माने तीन है, कितना है आपका 36000 टोटल उन्होंने मत प्राप्त किया, जो जीता है प्रत्याशी वो 36000 मत प्राप्त किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी नोट कर लें मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को नोट कर लें, और आप लोग जैसा कि आपका पढ़ाई सपोर्ट रहा है, और जैसे कि आपको पता है कि मैंने बता रखा है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे तभी हम डायरेक्ट लाइव आ पाएंगे आपके यूट्यूब चैनल पर, तो आप जल्द से कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने बता रखा है जो नए हमारे साथी हैं या जो अभी को मिला कि पहली बार एंड्राइड सेट लिए हैं और हमारा चैनल को देखना चाहते हैं, उन्हें अभी एंड्राइड के बारे में उतनी जानकारी नहीं है कहाँ सब्सक्राइब करें, उनके लिए सूचना ये है आप सीधे अपने यूट्यूब पर जो होता है उसमें जाके आप सर्च मारिए दिवाकर सर, ठीक है दिवाकर सर, डी आपका कैपिटल है सब इस्तेमाल हो जाएगा, फिर SIR सर, फिर लिखेंगे IND, आई जो होगा आपका दोस्तों वो कैपिटल होगा, फिर सर्च वही आप क्लिक कर देंगे तो उस सर्च कर लेगा, जैसे ही सर्च करेंगे नीचे हमारा एक वीडियो आ जाएगा दोस्तों, उस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही वीडियो क्लिक करेंगे हमारी वीडियो चलने लगेगी, नीचे आपको रेड कलर में लिखा रहता है दोस्तों सब्सक्राइब, जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे इस पर आप छुएंगे उसके ठीक बगल में जस्ट उसके बाद ही तुरंत आ जाएगा दोस्तों बेल आइकन का मान आ जाएगा, माने उसको दिखना लगेगा, तो बेल आइकन की तरफ तीन ऑप्शन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर वाले में लिखा होता है दोस्तों आल, आप आल कर देंगे दोस्तों, देखिए दो ऑप्शन तीन ऑप्शन होते हैं उसमें बेल आइकन में, तो आप म्यूट मत करें तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगी, आपको करना है ऑल, ऑल पर कर देंगे तो हमारी जो भी सेशन आएगी जो भी सेक्शन हम लेके आएंगे आपके लिए मैथ की या फिर रीजनिंग की या UPSI प्रैक्टिस पर, तो आप तक तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। देखिए जल्दी आप लोग के बीच रीजनिंग की भी क्लास लगने वाली है, कुल मिला के आप कंटिन्यू बने रहें, और आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ कुछ अलग देने का दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर कंटिन्यू ऐसे बने रहेंगे तो मैथ मैं आपको रटा तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैथ आपको सिखा जरूर दूंगा दोस्तों, और जो भी मैंने कह रखा है कि शून्य से शिखर तक, तो जरूर आपको शिखर तक पहुँचाऊंगा और आपको मंजिल जरूर प्राप्त होगी। देखिए मैं थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा, जैसे आप लोग देखेंगे गाँव में एक सुई होता है और उसी में एक धागा होता है जो डाल के हम लोग कपड़ा पसलते हैं, गाँव में हमारी जो भी बहन या माँ होंगी वो लोग अक्सर गाँव में कपड़ा पसलने काम में आता है, वो जब तक सुई के जो उसके ऊपर वाली जो बील होती है आप लोग देखेंगे उसका जो छेद होता है, जब तक उसमें आपका धागा सही एकदम उसके मध्य बीचों बीच नहीं होगा तब तक वो धागा उसमें इस पार नहीं निकलता दोस्तों, इसलिए गांव देखते हैं जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग कहते हैं बच्चे एक काम करो बबुआ एक काम करो ये थोड़ा सुई में एक काम करो ये हमारा धागा डाल दो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो जब तक उन दोनों का मेल नहीं होता दोस्तों तब तक उसमें वो सुई का धागा इस पार से उस पार नहीं होता। इसी तरह स्टूडेंट और टीचर का कुल मिला के आप कह सकते हैं दोस्ती या फ्रेंडशिप इस तरह होनी चाहिए कि दोनों का मेल मिलना चाहिए। मैं अपने अगर स्टैंडर्ड को बहुत हाई कर दूं मैं चाहूं तो जो भी आपको परसेंटेज 11 या 12वां लेक्चर हमारा है ये हम केवल 4 दिन में इतना चैप्टर जहां तक पहुंचा सकते थे, लेकिन आपको समझ नहीं आता दोस्तों, इसलिए मैंने अपनी जो भी हमारी कुल मिला के पढ़ाने का जो स्टाइल है कह सकते हैं जो पढ़ाने का ट्रिक है मैंने अपने स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा डाउन कर देखा हूं, क्योंकि आपको मैं पकड़ना चाहता हूं, अगर मैं अपने आप को ऊपर लेके चलूंगा तो आप हमें कभी नहीं पकड़, थोड़ा बहुत नीचे आऊँ तो आप थोड़ा बहुत ऊपर आ जाइए तो हमारा आपको दोनों का मेल हो जाएगा तब।
को लेकर चल रहे हैं, जिन्हें अभी मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें मैथ नहीं पता है मैथ होता क्या है, अर्थमेटिक क्या है, वनडे का मैथ क्या होता है, किस टाइम अभी तक वो क्या हुए इंटर पास किए हैं, वो अभी तक वो क्या किए हैं कि आपका जो भी है इंटीग्रल समाकलन और इस तरह के वो मैथ पढ़े हुए हैं इंटर लेवल का। वनडे का मैथ और इंटर लेवल का मैथ दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ये भी डर आप निकाल दिएगा, आप आर्ट से पढ़े हुए हैं तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते अर्थमेटिक, आप वनडे नहीं देख सकते। आर्ट जो पढ़ा है वो भी मैथ पढ़ सकता है, ये इंडिविजुअल मैथ अर्थमेटिक का, वनडे का मैथ, जो बायो से है वो भी पढ़ सकता है, और जो मैथ से हो तो ऑलरेडी मैथ से है ये। इसलिए दोस्तों हमें उन साथियों उन भाइयों को अपने लेकर चलना है जिनका मैथ पहली बार क्लास है, वो अभी तक यही कंफ्यूजन में थे मैथ कहां शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, हम मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, ये इंडिविजुअल मैथ है या रीजनिंग या अर्थमेटिक हमारे बस की बात नहीं है, हम तो आल्ट से पढ़ रखे हैं इंटर, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये जेहन से अपनी बात आप निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए, आप पक्का मैथ सीखेंगे। और मैंने बता रखा है ये जो मैथ है ये जाने वाला होता है, कोई ऐसा होता है जो कहीं जॉब करने जाता होगा, कुल मिला के एक उसी बस से उतरे हुए कई कैंडिडेट, कई पैसेंजर कई दिशा में जाते हैं, और कुल मिला के हर एक दिशा में जहां भी जाते हैं अपना काम पूर्ण रूप से उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन बस का क्या काम है, रोज अप डाउन उसी रूट पर करती रहती है। उसी तरह दोस्तों हमारा तो ये काम है, कुल मिला के प्रोफेशनल है हमारा, हमें पढ़ाना है बच्चों को, कुछ अलग सिखाना है, अब आपका काम है दोस्तों आप हमसे कितना ले पा रहे हैं और इसे लेने के बाद आप कितना इसे प्रकाशित कर पा रहे हैं। लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पहचानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग लीजिए और बराबर उसे एनालिसिस करते रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए मन लगा के। आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन टाइप में, एक क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं आपको, आप नोट कर लें। तीसरा टाइप में पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, इस चुनाव में कुल 18,000 इस चुनाव में कुल 1,80,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी नोट करें। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, अगला टाइप है पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, इस चुनाव में कुल 1,80,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अभी तक क्या होता था कि मतों की संख्या नहीं पता थी, हमें निकालना था, लेकिन यहां दे दिया है 1,80,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, कुल डाले गए मतों में 10% मत इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए दोस्तों। देखिए नया टाइप, इसलिए आपको कह रहे हैं हम हर एक टाइप से आपको रूबरू कराएंगे दोस्तों, ऐसे कंटिन्यू बने रहिए। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि अभी अभी चुनाव हुआ, वहाँ 20 वोट या 40 वोट या 50 वोट इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड क्या है, अवैध वोट क्या होता है, कैसे निकालेंगे उसको, कुल डाले गए मतों में से कैसे घटाएंगे, ये आपको सिखाएंगे, नए नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो कह रहे हैं कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इनवैलिड हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इनवैलिड, 10% मत वैध कर दिए गए, एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% वैध बोले तो वैलिड वोट जो मिला उसमें का, एक अन्य उम्मीदवार ने वैध मत का 60% मत प्राप्त किया, 60% मत प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ही बेहतरीन, समझिए 2017 यूपीएसआई 2017, ठीक है, 12 तारीख पेपर हुआ था आपका, 12 दिसंबर 2017 से पेपर हुआ था, प्रत्येक दिन तीन पेपर होता था दोस्तों, तीन पाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको पता होगा प्रत्येक क्वेश्चन 40-40 क्वेश्चन आ रहा था, 27 सेट यूपीएसआई ने क्वेश्चन कराया था पेपर का सेट, 1027 क्वेश्चन आपका मैथ का बनता है टोटल, आपको कराऊंगा दोस्तों, इसी तरह कंटिन्यू आप बने रहें, पक्का मैथ में आपको मैं सिखा दूंगा, जादू माने कुल मिला के आपको मैं मैथ में एकदम कह सकते हैं आप ऐसा बना दूंगा कि जहां भी आप मैथ कर, जहां भी आप बैठेंगे, जहां भी गिरेंगे बम बन जाएंगे आप, 2-3 गांव को साफ कर देंगे मैथ में, इसलिए आप कुल मिला के कंटिन्यू बने रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन आपको आइटम बनाऊंगा मैं। आइए देखते हैं, देखिए दोस्तों सफलता एक दिन नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कंटिन्यू आप बने रहें। देखिए कहा गया है जो लास्ट तक रहता है वही कुछ पाता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं कथा हो रहा है, ठीक है, प्रवचन हो रहा है, या आप माघ मेला जानते होंगे, वहाँ आप जाएंगे प्रवचन सुनेंगे, तो बहुत ऐसे वहाँ पे आते हैं जैसे मुरारी जी हैं आपके और लोग हैं जो भी हैं, ठीक है, और तो वहाँ आप जाएंगे शुरू में, जैसे मान लीजिए 4 बजे कथा प्रारंभ हो गई श्रीमद भागवत गीता, आप वहाँ गए आधे घंटे सुने, फिर सोचे काम के निकलिए नहीं समझ में आ रहा है, चलते हैं मेला घूमते हैं, तो क्या होगा जो लास्ट में वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ बताया जाएगा जो आप नहीं पा पाएंगे, या लास्ट में कुछ ऐसी वहाँ पे वितरण होगा चीज़ें जो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप तो चले गए ना मेला में से, छोड़ गए कथा प्रांगण से, उठ के चले गए, हाँ, जैसे वहाँ के प्रसाद जो होगा वो भी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए वो वही प्राप्त करेगा माने कि श्रोता या फिर कैंडिडेट जो कंटिन्यू वहाँ बना रहेगा, 4 बजे गया है तो 6 बजे वहाँ का कथा समाप्ति होती है या श्रीमद् भागवत गीता जो भी वहाँ प्रवचन होगा, तो लास्ट में वो पक्का वहाँ का जो भी प्रसाद होगा वो भी ग्रहण करेगा, और उसके बीच में जो भी अमूल्य बातें वहाँ पर बताई जाएगी, अनमोल बातें बताई जाएंगी, वो आप जरूर सीखेंगे और उसे आप आके आप घर पर उसको अमल करेंगे।
अब जो बीच में चले जाएंगे वो तो फिर सोचेंगे आधे घंटे से कुछ नहीं बताया गया, सब नहीं सही लगा, लेकिन हो सकता है आधे घंटे बाद उन्होंने कुछ स्टार्ट किया हो। इसलिए लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में जरूर बने रहें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। बहुत दोस्त हमारे ऐसे हैं लाइव आए दो मिनट देखें फिर चले जाते हैं, ठीक है आप चले जाएंगे, कुमला का नुकसान अपना कर रहे हैं, हम तो पढ़ाएंगे, मैंने बता रखा हम तो रोडवेज बस हैं, हमारा काम है आपको शिक्षा देना, जो भी हमारे पास है मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक घंटे आपके बीच लाइव हूँ, लेकिन आप कितना उसे कर पा रहे हैं ये आप समझिए। इसलिए दोस्तों लोग कंटिन्यू बने रहिए, देखिए समझना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप कितना अमल कर पा रहे हैं उसे ये ज़्यादा महत्व है। मैंने तो बहुत बता रखा है आप सुन भी लिए, अमल कर रहे हैं उसे आप ये इंपॉर्टेंट है। बहुत साथी हमारे ऐसे हैं जो समझाने के बाद भी पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, मुझे पता है कुमला गलती वो कर रहे हैं, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, समय आपका हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लीजिए आप लोग, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए दोस्तों बफरिंग तो नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5 मिनट और आप धैर्यतापूर्वक क्लास में बने रहें, मात्र 5 मिनट। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपका टोटल कह रखे हैं कि 180,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो मैंने मान लिया कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% पढ़ती है, और टोटल आपको दे रखा है 180,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो वैध मत पढ़े निकाल लेते हैं, इसका वैलिड मत कितना है, वैलिड मत यानी वैध मत कितना है इसका ये निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे वैध मत, वैध मत, वैध मत 180,000 का 10% इन वैलिड हो गया, तो 100 में 10 चलेगी दोस्तों कितना बचेगा, 90, कहेंगे सर 90 बचेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, छोटे बच्चों से पूछो वो भी बता देगा कि 100 रुपये बच्चे आपको दिया गया बेटा तो वही बताए 10 रुपये अगर आप खाली कितना बचेगा, 90, वही मैंने 90 लिखा है, अब कहेंगे सर 100 कहाँ से लिख दिया, परसेंटेज की वैल्यू जैसे हटेगी 100 से क्या कर दें दोस्तों भाग कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, अब यहाँ आना चाहिए 18 9 कितना होता है दोस्तों। टेबल जब तक आप तैयार नहीं करें तब तक कुछ नहीं, इसलिए टेबल आप बहुत ज़्यादा मजबूत करें, टेबल आप 20 तक कम से कम रेडी कर लीजिए, वर्गमूल घनमूल ये सब तैयार कर लीजिए, 18 9 होता है दोस्तों, ये सब तैयार कर लीजिए आप, और 000 लगा दीजिए, यानी 162,000 जो मत है यही वैध मत है, यानी यही वैध इनवैलिड हो जाएगा, और वैलिड मतलब वैध मत, इनवैलिड मतलब अवैध, कुल मतों की संख्या 1,00,000 कुल मतों की संख्या आप लोग लिख लिया करें, कुल वैध मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितना 180,000, ये टोटल मत पड़े थे, 11,000 180,000, ठीक है ये टोटल आपको कुल मत पड़े थे, लेकिन वैध मत पूछे तो कितना आ गया 162,000 आपका वैध मत आ गया। अब इसी में से आपका जो सेकंड उम्मीदवार होगा इसी में से मत प्राप्त किया होगा, तो आइए देखते हैं सेकेंड उम्मीदवार, सेकेंड उम्मीदवार को प्राप्त मत, को प्राप्त मत, को प्राप्त मत, ठीक है सेकेंड उम्मीदवार जो होगा यही वैध मतों में से वो क्या करेगा मत को प्राप्त करे किया होगा, तो आइए देखते हैं 162,000, 162,000 में अब वो कितना मत प्राप्त किया होगा, तो 162,000 में कर रहे हो 40% मत प्राप्त किया, कितना 40% मत प्राप्त किया, 40% का निकाल लीजिए, 0000 कटा दीजिए। आइए देखते हैं 4×2=8 और 8×6=24 हासिल आया 2 आपका, 4×1=4 2×6 और 0 आप लगा दीजिए, यानी 648,000 मत उन्होंने प्राप्त किया दोस्तों, कितना 648,000, अच्छा 64,800, ओके दोस्तों 64,800 मत उन्होंने प्राप्त किया। उम्मीद और जो भी क्लास में यहाँ पे पढ़ाया जाए उसे आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, कुछ नया सीखते रहें दोस्तों। देखिए मैंने बता रखा है कुल मतों की संख्या आपकी कितनी है 180,000 है, वैध मत निकालेंगे तो आपका 180,000 का निकलेगा 90%, क्योंकि 10% तो इनवैलिड हो गया, उससे कोई वैल्यू नहीं है, जानते हैं इनवैलिड जो होता है वो गणना नहीं होती, वो खत्म हो जाता है वोट, एंड 90% जो है आपका यही मान्य वोट होगा, तो 90% का निकालेंगे 162,000 आ गया, 162,000 अगर आपका निकल गया तो कह रहे हैं सेकेंड उम्मीदवार को प्राप्त मत, सेकेंड उम्मीदवार जो प्राप्त करेगा 162,000 का 40% निकालेंगे, 0 0 कटा देंगे, 4×8 हो जाएगा, 6×6=24 2 4×1=4 2 6 00 लगा देंगे, 6 64,800 उम्मीदवार
प्राप्त किया। अब आता है क्वेश्चन, सर ये बताइए पहला उम्मीदवार कितना पाया होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, पहला उम्मीदवार अगर पूछेगा तो आप टोटल वैध मत कितना पाए हैं, 162,000, 162,000 में से आप घटा देंगे कितना, 64,800, यही माइनस कर देंगे दोस्तों, जीरो में से जीरो, जीरो आ गया, यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गए 207, यहाँ बचा कितना आपका 15, 15 में 6 गए दोस्तों कितना, 15 में 6 गए कितना है आपका, देखिए मैंने कह रखा है कैलकुलेशन आप फास्ट करें, कैलकुलेशन अगर नहीं फास्ट कर पाएंगे मैथ नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैथ हमेशा सीखने के लिए आप कैलकुलेशन फास्ट रखें, ठीक है, नौ आएगा ठीक है, इसलिए आप कैलकुलेशन क्या करें फास्ट करें दोस्तों। आइए यही आपको क्या होगा, सेकेंड उम्मीदवार होगा, और पहला उम्मीदवार आपको पता ही है, इसी तरह कंटिन्यू आप क्वेश्चन को पढ़ते रहें, कुछ नया सीखते रहें दोस्तों। हो गया 64,800 आपका टोटल क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। हो गया दोस्तों, नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन अपना फास्ट रखें आप लोग, देखिए हम आपको कुल मिला के एक मैथ मैंने आपको बता रखा है, रटाने मैथ नहीं आया हूँ आपको, मैथ सिखाने आया हूँ, कंसेप्ट देने आया हूँ दोस्तों, ये घूढ़ा भाग आप लोग अपने आप से मजबूत कर लें, ठीक है, घूढ़ा भाग जोड़ घटाना आप अपने आप से मजबूत करें, इसे कंटिन्यू आप काटते पीटते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, हो जाएगा। मैंने बता रखा है कुछ सीखने के लिए कुछ करने के लिए पागल बनना पड़ता है, तो आप पागल बनिए, शीशे के सामने बोलिए, आप हमेशा तैयार करते रहे, वर्ग क्यू स्क्वायर आप तैयार करते रहें, ठीक है। तो आइए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ और नए सेशन के साथ, लेंगे 180,000, 180,000 आप 90% निकालेंगे, 162,000, 162,000 आप निकालेंगे 40%, सेकंड उम्मीदवार पहला उम्मीदवार पाया था 40%, आप डायरेक्ट इसका 40% निकाल सकते हैं दोस्तों, या फिर जितना ये पाया था इसमें से घटा देंगे, जीरो में से जीरो, जीरो 10 में से 8 गए आपके 2, यहाँ बच्चे आपके 11, 11 में 4 गए 7, यहाँ बच्चे आपके 15, 15 में 6 घटा देंगे, आपका जो आएगा वही आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो, ऐसी तरह दमदार तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं और मज़ा आना आएगा आपको क्लास लेते हुए और पढ़ते हुए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराएं और सभी दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दें, उनको भी सूचना मिल जाए क्लास यहाँ पे जो भी है, टाइमिंग 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, और जैसा कि अर्थमेटिक चल रहा है इस समय परसेंट